हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं बस कैमरा ही सेट कर रही थी कि देख, अभी सुबह सुबह अपना कैमरा लगा दूँ, थोड़ी घनी वीडियो बन जाएगी, नहीं तो बस पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है। और फिर अव्या को देखने के लिए भी कोई ना कोई आता ही रहता है, तो इसके नाम में अभी मैं भी चल जाती हूँ। और यहाँ पे अभी हम दोनों बहनें लगा रही हैं मिल के पोछा, फिर जल्दी जल्दी लग जाएगा, काफ़ी सारा पोछा लगता है, हम रोज़ दोनों ही लगा देते हैं तो इससे फटाफट से लग जाता है और काम ख़त्म हो जाता है जल्दी। नहीं तो एक अगर मैं लगाऊं या ये लगाया अकेली तो बहुत टाइम लग जाता है। इस तरह से मैं मोप से लगा रही थी और पारुल हाथ से लगा रही थी और बहुत ही जल्दी से लग गया था। और वैसे सुबह का सारा काम हो चुका है, आज मशीन नहीं लगाएंगे क्योंकि कपड़े थोड़े ही हैं, ज़्यादा नहीं हैं, कल लगा लेंगे। और इसको अव्या को भी रोज़ लेके जाना पड़ता है, तीसरे दिन डॉक्टर के यहाँ पट्टी होती है पैर पे, तो पहले तो मम्मी जाती थी, अब मैं जा रही हूँ क्योंकि मम्मी कह रही थी कि मुझसे देखा नहीं जाता, तुम ही चली जाना, तो अब मैं चली जाती हूँ, किसी ना किसी को तो जाना ही पड़ेगा। तो बस यहाँ पे पोछा लग चुका है, उसके बाद अभी देखेंगे नीचे झाड़ू लगाने जाएंगे दोनों ही, क्योंकि रात तूफान सा चल रहा था तो नीचे बहुत बुरा हाल हो रहा है, पत्ते आते रहते हैं पेड़ पौधों के। यहाँ पर चल रहा है दोनों बहनों का कार्यक्रम। ऊपर की साफ सफाई करने के बाद अभी हम दोनों बहनें नीचे आ गई थी, तो मैं इधर कमरे में तो लगा दिया झाड़ू, बाहर लगा रही हूँ। और पारुल बाहर साइड लगा रही है, गाय भैंस के नीचे गोबर था वो उठा दिया है और वहीं पे झाड़ू लगा रही है उधर चौक में, और मैं इधर लगा दूंगी तब तक। और पीछे भी हमारे बाग में भी लगेगा क्योंकि गाय भैंस नहलाने के बाद वहीं पे बांधते हैं दोपहर में पेड़ की छाँव में, तो वहाँ पे भी झाड़ू लगा दूंगी, फिर लाइट आ जाएगी तो गाय भैंस जो है वहीं बंधेगी बाग में ही। और पेड़ की छाँव बहुत ही अच्छी रहती है दोपहर में, उन्हें बहुत ही अच्छी हवा लगती है, तो वो आराम भी कर लेते हैं वहाँ पे गाय भैंस आराम से, वहाँ पे उन्हें आराम भी मिल जाता है, तो हम नहला के वहीं बांध देते हैं रोज़ सुबह ही सुबह। तो अभी वहाँ पे तो लगी झाड़ू, यहाँ पे लगा रही हूँ। यहाँ पे ना ये पेड़ है पपड़ी का बोलते हैं, पता नहीं आपके यहाँ कहीं का बोलते होंगे, इस पर बहुत ज़्यादा फूल आते हैं और ये फूल ऐसे रहते हैं जैसे बिनोले, अगर आप सबने देख गांव के हैं जो उन्होंने तो देखे ही हैं, बिनोले जैसे फूल आते हैं, ये गिरते हैं तो इनका भी एक तसला कूड़ा हो जाता है। तो बस अभी इनको एक जगह करके फिर इनको मैं डाल जाऊँगी कूड़ी पर उठा करके, क्योंकि फिर यहाँ पर पशु बंधेंगे और उसके बाद फिर डॉक्टर को के यहाँ भी जाना है।
अभी अव्या को लेके जा रहे हैं डॉक्टर के, और आज मेरा ही नंबर आया है पहली बार। वैसे इससे पहले मम्मी ही जाती थी, तो आज मैं जा रही हूँ क्योंकि मम्मी बोल रही थी कि मुझे गाड़ी में बहुत ज़्यादा हल्का सा आता है, नींद आने लगती है तो इस वजह से, और थक भी जाती हूँ, तो आज मैं आई हूँ फिर। तो अब देखती हूँ मैं ही आ जाया करूँगी, क्योंकि मम्मी भी थक जाती है और फिर मम्मी को नींद सी आती है, तो वही रहता है बस डर सा कि एक तो इसके पैर में चोट है कि कहीं हाथ में से छूट ना जाए, नींद आ जाए, तो इस वजह से डर सा लगा रहता है। देखिए आप सबका उल्लू बना रही है लड़की। आज बन रहे हैं कोफ्ते, बड़े सोफ्ते में, और यहाँ पर ये तैयार है इनका बैटर। बैटर नहीं खाना इनका बड़ा, इसमें क्यों घोल रही, इसके वो सॉस ही आवे कर लो ऐसे। मम्मी ने इसमें मुझे ओवन छौंकन दी, क्या छौंकते हैं मसूर, मैं कहती हूँ फिर सॉस ही आवे इसकी। लो मैंने इसमें घोल छोड़ दी। अच्छा जी बाबू जी, थोड़ी क्वांटिटी में बस देख ले मिला के करना, उसका नून मिर्च मसाला डाल दो, हल्दी, मम्मी ने ना गिर दी है थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया सौंफ, मलाई गिर के सॉफ्ट हो जाए, उसमें तो गिरा छोंकने के बाद उससे पनीर में। कुछ तो हो गई है, दो घर वाली नाटक भी आ गया, और एक के साथ था के एक और अरमान मलिक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे खाने पीने की तैयारी हो रही है, खीरे भी काट दिए हैं और प्याज भी, सब्जी आलू टमाटर की है, और कोफ्ते बनाए हैं, और आज आई मोनिका आई है, और बच्चे आए हैं क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ पड़ चुकी हैं अब, तो बच्चे भी आए हैं और कह रहे थे कि हम अव्या को भी देख लेंगे और बच्चों को भी फिर छोड़ने आ जाएंगे। तो मोनिका बैठी हुई है, बुआ जी बैठी हुई हैं यहीं पर, और अव्या भी यहीं गोद में है बुआ जी की, क्योंकि ये गोद में ज़्यादा रहती है, और नीचे अगर इसको हम लिटाते हैं खाट पे या फिर बेड पे तो रोने लगती है, क्योंकि इसके पैर में इतना दर्द है, क्या करें, ये तो पता नहीं कैसे कैसे बर्दाश्त कर रही है, बड़े 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 ही इंसान वो हो जाते हैं दर्द में बिल्कुल बेकार, और ये तो है ही। अभी 20-22 दिन का फूल, तो बस ये क्या वो झेल लिया दर्द, यही जानती है। हम तुम तो बात करके थोड़ा सा मन वो भी कर लेते हैं, पर बीत तो इसी पे रही है, और इसकी पैर की इतनी बुरी हालत उन डॉक्टरों की लापरवाही से हुई है, अगर वो ध्यान दे देते और हमें बता देते तो इतना रोग नहीं बढ़ता।
चची जाओ तुम चली जाओ पहले तुम बैठो पहले से बाहर चलो अपनी मम्मी के साथ ही बैठे हैं। कभी मम्मी ना। अक्की ना जा रहा? है भाई। अब ना के फोकस है। ओ विभू अक्की। बाय 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 कर नहीं नहीं आ रहा जिसको कोई वो थोड़े आ रहा नहीं आगे वो क्या पता ज्यादा हाँ भैया जब नहीं मानने में क्या करूँ पता मैं तो कहा बढ़िया बात है सर नमस्ते बस चल बैठ जल्दी बैठ इधर बता लो जी वहाँ फिर वो किला रहेगा इतना ऐसा झाड़ को तमी रखो आज तू यही रह ले विभू बाय विभू बाय हाँ भाई आजा बाय विभू आजा छोटी सी पिलिया जा रही थी आजा पिलिया वाले कुछ नहीं ना टिक्की में काट ले तो जोड़ा दे देगा टिपन ले आए वो ऊपर से और बाकी टिपन का थैला ले आई वहाँ के का थैला मैं रखा इसकी बोतल भी होगी अभी बड़े पानी की बोतल होगी इसकी झोला टंग रहा खुंटी पे अभी मोनिका भी जा रहे हैं और इस वीडियो का मैं इसी के साथ में एंड कर रही हूँ क्योंकि ये जल्दी ही जा रहे हैं 2 घंटे रुके हैं बस क्योंकि पापा जी की भी तबीयत बहुत खराब है उन्हें भी दिखाने जाना है डॉक्टर को तो बस इस वीडियो कहीं पे एंड कर लेते हैं अगर आप सबको पसंद आया हो थोड़ा सा भी तो लाइक कर दीजिएगा और जैसे ही हमारे हालात चल रहे हैं उसको देख के वीडियो को शेयर भी कीजिएगा क्योंकि ताकि और किसी के साथ ऐसा ना हो जो हमारे साथ हुआ है मिलते हैं कल तब तक के लिए बाय बाय वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।